गुर्जर आरक्षण की विभिन्न मांगों के समाधान को लेकर राज्य सरकार की ओर से एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें गुर्जर आरक्षण के संबंध में तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान खेल मंत्री अशोक चांदना ने बताया कि सरकार गुर्जरों को आरक्षण देने को लेकर प्रतिबद्ध है। इसी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजित की गई थी, जिसमें गुर्जर आरक्षण समिति के सदस्यों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन बैठक में चर्चा के बाद सरकार ने तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें पहला निर्णय, गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान गोलीकांड में घायल तीन व्यक्तियों कैलाश गुर्जर, मानसिंह गुर्जर और बद्री गुर्जर की मौत हो गई थी, उनको सामाजिक सरोकार के सहयोग से 5-5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से अति पिछड़ा वर्ग के जिन 1,252 अभ्यर्थियों का परीक्षा काल पूर्ण हो चुका है, उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षीविकाल अवधि पूर्ण होने पर रेगुलर पे स्केल किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु पूर्व में भारत सरकार को लिखा गया था। वहीं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि गुर्जर आरक्षण को लेकर कांग्रेस सरकार ने हमेशा उनको आरक्षण का लाभ देने के लिए काम किया है। सरकार हमेशा चाहती तो सरकारी नौकरियों में ही जगह मिले। पहला कि जो 1252 लोग कोर्ट के आदेशानुसार लगे हुए हैं उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाएगा, ये घोषणा सरकार करती है। दूसरा, तीन व्यक्ति श्री कैलाश गुर्जर, स्वर्गीय श्री मानसिंह गुर्जर, श्री बद्री गुर्जर, इनकी आरक्षण के आंदोलन के समय इनको गोली लगी थी और उसके कई सालों के बाद में उनकी मृत्यु हुई। मेडिकल बोर्ड्स ने और सब जांचों ने बताया कि उस गोली की वजह से मृत्यु नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसकी मांग है, तो मैं निजी तौर पर सामाजिक सहयोग से ये जिम्मेदारी लेता हूँ कि उन तीनों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए सामाजिक सहयोग से इकट्ठा करके उन पीड़ित परिवारों को, क्योंकि वो परिवारों की आर्थिक माली हालात ठीक नहीं है, इसलिए उनकी ये मदद 5 लाख की सामाजिक सहयोग से करी जाएगी। तीसरी घोषणा, नवी अनुसूचना के लिए पूर्व में भी प्रदेश सरकार लिख चुकी है भारत सरकार को, और अब ये फिर से फैसला लिया गया है कि तुरंत प्रभाव से तत्काल एक लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, ताकि नवी अनुसूचित में इस आरक्षण को इंक्लूड किया जाए भारत सरकार के द्वारा, ये हम लोग तुरंत प्रभाव से भेज रहे हैं। ये तीनों घोषणा करने के लिए हम आपके सामने, ये जो हमारे 22 महीने का शासन है उसमें 2491 नौकरियां ये 5% आरक्षण के तहत हमारी सरकार ने दिए, और अभी जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं उसमें भी 1356 लोगों को इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। मांग पत्र जो दिया गया कर्नल साहब किरोड़ी सिंह के फैसला के द्वारा, उसको एक एक बिंदु को हमने देखा अच्छी तरह से, कब वो आंदोलन हुआ, कब वो स्थिति बनी थी, उसके कितने 7-8 साल बाद, 12 साल बाद बल्कि 3 लोगों की मृत्यु हुई, तो फिर भी हमने ये कहा कि सामाजिक स्तर पर अशोक चांदना जी अपने समाज से या दानदाताओं से बात करके उन परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, ताकि क्योंकि वो गरीब है तो उनको कुछ मदद मिल जाए, जो संभव है वो एक बिंदु हमने ये किया। 1252 के बारे में आपको कह दिया कि रेगुलर पे स्केल उनको देंगी सरकार, ये भी उनकी प्रमुख मांग थी। और तीसरा, नवी अनुसूची में 2 बार पहले लिख चुके भारत सरकार को, अब उनकी मांग है तो राज्य सरकार ने तय किया है कि तीसरी बार भी तत्काल राज्य सरकार के द्वारा भारत सरकार को लिखा जाएगा संविधान की 9वीं अनुसूची में इसको डालने के लिए। इसके अलावा कोई उनके प्रकरण है भी नहीं ज़्यादा बात। और सिर्फ मैं तो उनसे अपील करना चाहूँगा कि आम व्यक्ति जो अति पिछड़ा वर्ग में आता है, उनकी जो मांगें थी वो सरकार ने समय समय पे अधिकांश पूरी कर दी है। अब कोई ऐसा मुद्दा बचा नहीं है जिस पे अनावश्यक रूप से आंदोलन करने की ज़रूरत पड़े। सरकार कांग्रेस पार्टी की है, ये फर्क देख लीजिए। एक सरकार थी जब 70 लोग मारे गए थे, गोलियां चली थी,
हमारे समय में जब जब इन्होंने आंदोलन किया, हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने